एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दादर में पितृछाया भवन स्थित सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत के आवास पर सद्भावना का दौरा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दादर में पितृछाया बिल्डिंग में सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत के आवास पर शिष्टाचार भेंट की। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे से हिंदुत्व के रूप में जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बैठक में उनके बारे में कई पुरानी यादें ताजा की। सरसंघ के नेताओं ने भी शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में उनके करियर के लिए शुभकामनाएं दी। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के समर्थन से भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। भाजपा ने भी आश्चर्यजनक रूप से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में बैठने का सम्मान दिया। राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार के गठन को लगभग एक महीना हो चुका है, लेकिन कैबिनेट विस्तार अभी रुका हुआ है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने लगभग 6 दिल्लीवार बनाए, लेकिन इस एक महीने की अवधि के दौरान वह सर संचालक मोहन भागवत से नहीं मिले, जिन्होंने सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने आज सरसंघ के नेताओं के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक की। इस बैठक में हिंदुत्व के साझा सूत्र पर चर्चा हुई। हिंदुत्व चांगला काम करा, सचोटीने काम करा, एकमेकांना सोबत घेऊन काम करा आणि हिंदुत्व हा तर आपला अजेंडा आहेच। बरं साहेब, हिंदी में जानना चाहेंगे आज सरसंघ चालक इनकी मुलाखात क्या खास आहे? आमच्यासाठी एक आदरणीय आहेत आणि त्यांना जेव्हा जेव्हा कधी मी ठाण्यालाही भेटलो होतो कार्यक्रमामध्ये, येस, त्यामुळे तसं काही विषय कारण काहीच नाही, सदिच्छा भेट आहे। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर शुभेच्छा आशीर्वाद। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।